हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैमर क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसकी हेल्प से अगर आपके बाल असमय सफ़ेद हो गए हैं, आपके बाल लंबे घने मजबूत नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बेजान रूखे हो गए हैं, बालों में कोई शाइन नहीं है और आपके बाल समय से पहले बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं, तो ये DIY रेमेडी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। यह आपके बालों को लंबा घना मजबूत बनाएगी, शाइनी बनाएगी, डल जो आपके बाल हो गए हैं उनको भी शाइनी बनाकर आपके बालों में जान लेकर आएगी और आपके बालों को असमय जो सफ़ेद हो गए हैं वो भी काले हो जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की इस रेमेडी को किस तरीके से बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको शैम्पू चाहिए, तो मैं यहाँ पर डव शैम्पू ले रही हूँ। आप जो भी शैम्पू अपने बालों पर लगाने के लिए यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है बालों के लिए, यह आपके बालों को लंबा घना मजबूत बनाएगा, बालों की ग्रोथ को भी अच्छा करेगा। उसके बाद हमें चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपके बालों को थिक बनाएगा, साथ ही साथ अगर आपके बाल बिल्कुल बेजान हो गए या रूखे हो गए तो आपके बालों में जान लेकर आएगा, आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको एक क्लीन बोल लेना है, उसके बाद आप इसमें अपने बालों की लेंथ के हिसाब से शैम्पू ऐड कर लीजिए। मैं यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच शैम्पू ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून शुगर पाउडर। शुगर पाउडर लेना है आपको, आप घर में जैसे चीनी होती है उसको मिक्सी में पीसकर इसका पाउडर बना सकती हैं। शुगर पाउडर आपके बालों को शाइनी बनाएगा। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर बहुत ही अच्छा होता है, अगर आपके बाल असमय सफ़ेद हो गए हैं तो यह आपके बालों में एक नेचुरल कलर लेकर आएगा, आपको मार्केट के महंगे महंगे कलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके बाल जो असमय सफ़ेद हो गए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 विटामिन ई कैप्सूल। आपको इसमें 1 विटामिन ई कैप्सूल ऐड करनी है। अगर आपके पास विटामिन ई कैप्सूल नहीं है तो आप इसमें विटामिन ई ऑयल भी ऐड कर सकते हैं या फिर ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, एलोवेरा जेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बालों को रूखे बेजान बालों को शाइनी बनाएगा, थिक बनाएगा, आपके बालों की ग्रोथ को भी अच्छा करेगा। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपके बालों की कोई भी प्रॉब्लम है, आपके बालों की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए ये रेमेडी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। यूट्यूब पर पहली बार किसी ने नहीं बताया होगा और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, नेचुरल है, आपके बालों पर कोई हार्म नहीं होगा, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हल्का सा वार्म वाटर, यानी आपको हल्का गुनगुना पानी लेना है और इसमें अच्छे से ऐड कर लेना है और उसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और जैसे आप इसे मिक्स करेंगे तो ये देखिए झाग जैसे बन जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें शैम्पू ऐड किया है तो इसमें झाग तो बनेगा ही, तो आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो अब बात करते हैं कि इसे यूज़ किस तरीके से करना है। यूज़ करने का तरीका इस रेमेडी का बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जिस दिन भी आपको बाल धोने हैं आप उससे 1 घंटा पहले, सिर्फ 1 घंटा पहले आपको इसे अपने बालों में अच्छे से अप्लाई कर लेना है। आप इसमें ज़्यादा पानी भी ऐड ना करें ताकि आपके बालों से निकल जाए, तो आप इसमें इतना पानी ऐड कर लीजिए। आप 1 घंटा पहले अपने बालों की जड़ों से लेकर अपने बालों की पूरी लेंथ पर अप्लाई करना है। ध्यान से सुन लीजिए गाइस, आपको इसे अपने बालों की पूरी जड़ों से लेकर अपने लेंथ पर अप्लाई करना है और उसके बाद आप शावर कैप या फिर कोई भी पॉलीथीन से अपने बालों को 1 घंटे के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद आपको कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरल कंडीशनर का काम भी करेगा और आपके बाल जो असमय सफ़ेद हो गए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो आप इसको इस तरीके से कम वीक में 2 बार भी यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, बालों की सारी समस्याएँ दूर होगी। अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे तो आप कोई भी रेमेडी एक बार यूज़ करोगे तो आपको इतना ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, रेगुलर यूज़ करोगे तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप इसे कम से कम वीक में 2 बार यूज़ करो, अगर आप 2 बार यूज़ नहीं कर पा रहे तो 1 बार भी यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपको अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।